इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं अफोर्डेबल एंड मेटल बिल्ड पेन ड्राइव का, जिसका नाम है HP V236W, जो USB 2.0 के साथ आती है। सबसे पहले ओवरव्यू की बात करूं तो कुछ इस तरीके का ये पेन ड्राइव का डिजाइन मिलता है। पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए इसमें टाइप ए का कनेक्टर मिल जाता है और इसमें USB वर्जन है वो 2.0 मिलता है। मैंने ये पेन ड्राइव सिल्वर कलर का है वो कंसिडर करके इसको ऑर्डर किया था। हल्की सी डार्क टोन वाली पेन ड्राइव रिसीव हुई थी, तो इसमें कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता तो और ज्यादा बेटर रहता। अब इस पेन ड्राइव की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए इस पेन ड्राइव के बॉक्स के ऊपर एक कोड होता है जिसको आपको स्क्रैच करना होता है। फिर आपको गूगल करना होगा PNY प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन पेज। फिर वहां PNY की साइट के ऊपर आपको पूरा गाइड मिल जाएगा किस तरीके से आपको वो जो आपको स्क्रैच करके जो कोड मिला था उसको कैसे वैलिडेट करना है वो। अगर वहां पे कोड वैलिड आए तो समझना आपकी जो पेन ड्राइव है वो ऑथेंटिक और जेन्युइन है। अब इस पेन ड्राइव की बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो इसका जो आउटर साइड है वो मेटल बिल्ड में मिलता है, जो काफी अच्छी चीज है। ऊपर का यह थोड़ा सा पार्ट है वो प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है। बस इसमें एक दिक्कत है कि ये पेन ड्राइव के ऊपर स्मजेस वगैरह काफी जल्दी आ जाते हैं और ये पेन ड्राइव के बॉडी के ऊपर आपको रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। इस पेन ड्राइव में कोई भी तरह का फ्लेक्स वगैरह देखने को नहीं मिलता। प्राइस के हिसाब से देखोगे तो ये पेन ड्राइव है वो काफी ड्यूरेबल है और इसका वेट है वो 5 ग्राम्स के अराउंड मिलता है। अब क्रिस्टल डिस्क मार्क टेस्ट की बात करते हैं, उससे पहले बता दूं इस पेन ड्राइव को मैंने लैपटॉप के USB 3.0 वाले पोर्ट में कनेक्ट किया था और ये पेन ड्राइव USB 2.0 वाली है, तो हमें 2.0 के अकॉर्डिंग ही स्पीड देखने को मिलेगी। तो इस पेन ड्राइव को मैंने EXFD फाइल सिस्टम में फॉर्मेट कर दिया था, उसके बाद क्रिस्टल डिस्क मार्क टेस्ट है वो परफॉर्म किया था। तो इसमें 37 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड स्पीड और 25 मेगाबाइट्स पर सेकंड की राइट स्पीड मिल रही थी, जो USB 2.0 के हिसाब से ठीक ठाक स्पीड है। अब फाइल ट्रांसफर टेस्ट की बात करते हैं, 1.44 GB का बी रोल का एक फाइल था जिसको मैंने अपने लैपटॉप में से पेन ड्राइव में डाला, तो इससे हमें पेन ड्राइव की एक्चुअल राइट स्पीड का आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं राइट स्पीड है वो एकदम से ज्यादा दिखी, फिर वो स्पीड ड्रॉप हो चुकी थी। उसके बाद पूरे टाइम एवरेज 5 से लेकर 6.5 मेगाबाइट्स पर सेकंड के अराउंड राइट स्पीड यहाँ पे मिल रही थी और ये पूरा फाइल ट्रांसफर होने में टोटल टाइम 3 मिनट और 39 सेकंड्स का लगा था। अब उसी फाइल को HP V236 पेन ड्राइव में से अपने लैपटॉप में डालेंगे तो इससे हमें पेन ड्राइव की रीड स्पीड का आइडिया लगेगा। तो इसमें एवरेज 37 मेगाबाइट्स पर सेकंड के अराउंड रीड स्पीड मिल रही थी और इसमें टोटल टाइम 39 सेकंड्स के अराउंड लगा था। ये पेन ड्राइव USB 2.0 के साथ आती है, तो उसके हिसाब से देखोगे तो फाइल ट्रांसफर टेस्ट में जो स्पीड मिल रही थी वो स्पीड काफी डिसेंट है। ये पेन ड्राइव मेटल बिल्ड में मिलती है तो थोड़ा बहुत हीट वगैरह होती है, पर वो नॉर्मल चीज है। इस पेन ड्राइव को अगर आपको अपने स्मार्टफोन में यूज करना हो तो टाइप A to C का एडेप्टर आता है, उसको आप अलग से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद एडेप्टर को अपने पेन ड्राइव में लगा के इस पेन ड्राइव को आप अपने स्मार्टफोन में भी यूज कर पाओगे। फाइल सिस्टम है वो EXFAT ही रखना, तभी आप सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इस पेन ड्राइव को काफी अच्छे से यूज कर पाओगे। कंक्लूजन की बात करूं तो ये पेन ड्राइव में आपको बहुत ही अच्छी स्पीड वगैरह देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये पेन ड्राइव USB 2.0 के साथ आती है। तो अगर आपको पेन ड्राइव में ज्यादा स्पीड चाहिए तो आप USB 3.0 वाली पेन ड्राइव ले सकते हैं, पर जिन यूजर को ऐसी पेन ड्राइव चाहिए जिसको आप बेसिक स्टोरेज पर्पस जैसे कि ऑफिस के डॉक्यूमेंट वगैरह, फोटोज वगैरह स्टोर करने के लिए, कम MB की फाइल्स वगैरह स्टोर करने के लिए यूज करना चाहते हैं और अफोर्डेबल प्राइस में आपको मेटल बिल्ड वाली पेन ड्राइव चाहिए HP जैसे ब्रांड से, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस पेन ड्राइव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट करना हो तो कर सकते हैं।